वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं, स्प्रिंग 2016 के अटेम्प्ट से। क्वेश्चन का टाइटल है अली एंड बशीर। तो क्वेश्चन का डाटा देखते हैं कि अली एंड बशीर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं एंड हैव बीन वर्किंग एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इन अ लिस्टेड कंपनी। तो इन अ रीसेंट मीटिंग ऑफ द बोर्ड द डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू एक्सपेंड द बिजनेस विद इन 6 months बाय ओपनिंग 20 रिटेल आउटलेट। तो बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हैं। दिस एक्सपेंशन वुड रिक्वायर फाइनेंसिंग ऑफ ₹300 मिलियन विच मे बी अरेंज थ्रू बैंक लोन। तो बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हैं, फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस बैंक लोन के थ्रू अरेंज किया जा सकता है। MD हैज एडवाइज द CFO टू अरेंज द लोन फ्रॉम MN बैंक। ही हैज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द प्रेजिडेंट ऑफ द बैंक इज हिज गुड फ्रेंड एंड द लोन कैन बी अरेंज ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस एट अ मार्कअप ऑफ 15% पर एनम सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। एक तो ये कि जी करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो शुड बी एटलीस्ट 2:1 and 1:1, गेयरिंग रेशियो शुड नॉट एक्सीड 40%, इंटरेस्ट कवर शुड बी एटलीस्ट 3। CFO इज नॉट कंफर्टेबल विद दिस डील एज द मार्कअप ऑफर्ड बाय द बैंक इज मच हायर देन द रेट ऑन द एग्जिस्टिंग लोन एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू मीट द गेयरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंक। जस्ट 40% जो गेयरिंग रेशियो है। हाउएवर MD हैज आस्क्ड हिम टू मेक सर्टन चेंजेस इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन टू द बैंक which according to the CFO are not in accordance with the IFRS। तो दो इश्यूज जो है सिनेरियो पढ़कर समझ में आते हैं। एक तो ये कि एक ऐसा लोन लेने की कोशिश की जा रही है जो कि जो कंपनी है उसके शायद बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, हायर मार्कअप के रेट पे। दूसरी बात ये कि उस लोन को हासिल करने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाने की बात हो रही है उसको भी मैनिपुलेट करने की इंडिकेशन MD की तरफ से आई है। तो दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोड ऑफ एथिक्स दोनों पर अप्लाई होता है। तो ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द MD मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ICAP's कोड ऑफ एथिक्स। तो पहला तो ये पर्सपेक्टिव है। आल्सो स्टेट द पोटेंशियल थ्रेट्स दैट CFO मे फेस अंडर द सर्कमस्टांसेस। क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से इस तरह की बात आना एक जो है ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको देखेंगे। इंटिमिडेशन थ्रेट है स्पेसिफिकली। Along with available safeguards, so हमारे आंसर में ये तीन perspective जो हैं वो क्लियर होने चाहिए कि हम briefly explanation दें, potential threats को discuss करें और available safeguards को discuss करें। तो one by one इनको discuss करते हैं। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट्स टू फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स है वो पहली बात तो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। एक तो ये कि क्या फाइनेंसिंग फ्रॉम अदर बैंक अवेलेबल है लोअर मार्कअप पे, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात तो बताई हुई है कि एग्जिस्टिंग लोन का मार्कअप काफ़ी लो है, लेकिन क्या फर्दर जो फाइनेंसिंग है वो दूसरे बैंक से इससे लोअर मार्कअप पे मिल सकती है, और क्या 15% मार्कअप जो है वो एक्सपेंशन के लिए फिजिबल है या नहीं है। मे बी अगर आप कहते हैं कि जी आपकी जो एक्सपेंशन कर रहे हैं उसको अगर 15% पर एक्वायर करेंगे तो वो तो एक लॉस मेकिंग, वो उसकी NPV या जो IRR है प्रोजेक्ट का वो अगर आपका 15% के ऊपर जस्टिफाई नहीं होता तो फिर आप जो है उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए 15% वाले लोन ऑप्शन को। तो इन दो सिचुएशन में क्या MD जो है वो ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल कर रहा है। तो जो ऊपर हमने ये दो क्वेश्चन पूछे इनमें से अगर एक का आंसर भी यस है तो MD ब्रीच कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का भी और प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी का भी। कैसे कर रहा है? देखिए अगर दूसरे बैंक से लोअर पे मार्कअप मिल पे आपको लोन मिल सकता है तो फिर हायर मार्कअप पे करना तो ये आप अपनी एंटिटी के साथ ही जो है ज्यादती कर रहे हैं, अनएथिकल है। दूसरी बात यह कि अगर प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है 15% पे और फिर भी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती आप अपनी एंटिटी को जो है वो एक लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो भी अनएथिकल। सो एक तो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस है क्योंकि बायस डिसीजन है ऑन पार्ट ऑफ MD के वो अपने फ्रेंड को फेवर करने के लिए, बिकॉज इस फ्रेंड इज प्रेजिडेंट ऑफ दैट बैंक, तो वो उस पर्टिकुलर बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं और वो भी कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ द कंपनी पे। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी की बात है क्योंकि जब MD ने CFO को ये कह दिया कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करें तो ये तो ऑनेस्टी के अगेंस्ट है, तो इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल भी इफेक्ट हो रहा है।
तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। दूसरी बात है पोटेंशियल थ्रेट टू सीएफओ। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर एमडी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से की जाए तो इंटिमिडेशन थ्रेट है इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी का, क्योंकि फिर बायस इन्वॉल्व है इसके अंदर एमडी का, जो कि आगे आप फॉलो कर रहे होंगे, और इंटेग्रिटी भी एक अफेक्ट हो रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मैनिपुलेट हो रही होंगी। तो जो रेलिवेंट थ्रेट है वो इंटिमिडेशन है एंड एक्चुअल और परसीव थ्रेट और मे बी अंडू इन्फ्लुएंस फ्रॉम एमडी। अब जो आइडेंटिफाइड थ्रेट है वो बड़ा क्लियरली जो है सिग्निफिकेंट है। रीज़न ये कि हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से आ रहा है, एमडी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की इक्वल पोस्ट है। तो इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से जब आपके पास कोई आइडेंटिफाइड थ्रेट आ रहा हो तो ऑब्वियसली उसका जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो हाई होता है। तो अब इससे आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो पॉसिबल हमारे पास सेफ गार्ड हो सकते हैं फॉर सीएफओ वो क्या है। तो थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करने के लिए पहली बात तो एक सुपीरियर जैसे ऑडिट कमेटी जो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कंसल्ट करें, एंटिटी की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर देखें, एथिक्स से रिलेटेड या विसल ब्लोइंग पॉलिसी जो भी है, ताकि मैटर इंटरनली अगर रिजॉल्व हो सकता है तो वो हो जाए। कंसीडर करें कंसल्टिंग विद रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडी जैसे आईकैप है, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ लीगल काउंसिल से जो जैसे आपके जो लॉयर हैं उनसे एडवाइस लेने की कोशिश करें, या फिर थर्ड पार्टीज को इन्फॉर्म करना है या नहीं करना उसको कंसीडर करें, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को, कॉन्फिडेंशियलिटी को जहन में रखते हुए। ये जो फैक्टर है कंसल्टिंग का या थर्ड पार्टीज को इन्फॉर्म करने का, अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करने का, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी को जहन में रखते हुए करना है। अगर फिर भी आप समझते हैं कि थ्रेट जो है वो एक्सेप्टेबल लेवल पर रिड्यूस नहीं हो रहा तो फिर यू सीएफओ शुड रिफ्यूज़ टू रिमेन एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ही शुड कंसिडर रिजाइनिंग फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफ सीएफओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।